जहानाबाद में लोकसभा चुनाव का मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक होता दिख रहा है। एनडीए और आरजेडी गठबंधन के बीच मुकाबला तो सभी देख रहे, लेकिन इन दोनों दलों के अलावा मौजूदा सांसद अरुण कुमार और राजनीति में नई पारी की शुरुआत करने वाले चंद्र प्रकाश यादव मुकाबले को और रोमांचक करते दिख रहे हैं। जहानाबाद के बंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ियों के बीच लालू राबड़ी मोर्चा समर्थित प्रत्याशी भी अपनी दमदार दावेदारी दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे चंद्र प्रकाश की दावेदारी तब दमदार दिखती है जब उनके पक्ष में लोगों से वोट अपील करने लालू के लाल तेज प्रताप पहुंचते हैं। लालू राबड़ी मोर्चा के बैनर तले यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता और नेतागण, तमाम लोग आप लोगों का स्वागत करने का काम करता हूँ। और इतना जनसलाब, माताएं, बहने, बच्चे, नौजवान, तमाम लोग हमें यहाँ स्वागत करने का काम करता हूँ और प्रणाम करने का काम करता हूँ। जहानाबाद के मखदुमपुर में गांधी मैदान में जब चंद्र प्रकाश यादव के लिए वोट अपील करने तेज प्रताप पहुंचे तो वहां मौजूद भीड़ देख प्रत्याशी के चेहरे का तेज और उत्साह छुपाए नहीं छिप रहा था। भीड़ देख गदगद तेज प्रताप भी पूरी तरह से अपने पिता लालू यादव के रंग में रंगे नजर आए। सभा को संबोधित करते हुए कई बार तेज प्रताप को चंद्र प्रकाश के पक्ष में वोट अपील करते हुए देख लालू यादव की झलक। चंद्र प्रकाश को हमने यहाँ से विजय का माला पहनाने का काम किया है। चंद्र प्रकाश को असली लालू यादव का खून नाम है, बिहार में दूसरा लालू यादव हम ही है। और गरीब कुर्सी पे नहीं बैठे, गरीब लोग कैसे कुर्सी से में दखल कर दिया जाए, कैसे उसको घर से निकाल दिया जाए। अरे क्या हुआ प्रेस के भाई लोग, गोदी खिलौगल खेल रहे हैं। आजकल का नेता सब दुए को प्रोग्राम में, चार को, पांच को प्रोग्राम में लड़वा जाता है। जितने नौजवान आराम से, अरे आराम से हड़बड़ाना क्या है, काहे के लिए हड़बड़ा रहा है। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने वहां आरजेडी प्रत्याशी पर निशाना साधा तो नीतीश कुमार और मोदी पर भी जमकर हमला बोला। नीतीश सरकार को घोटालों की सरकार बताते हुए तेज प्रताप ने सृजन घोटाला और बालिका गृह कांड का जिक्र किया तो वहीं केंद्र सरकार पर अडानी अंबानी का नाम लेकर बरसे। तेज प्रताप ने इस दौरान मौजूद भीड़ को अपने समर्थित प्रत्याशी चंद्र प्रकाश को आशीर्वाद देने की अपील करते हुए काफी तारीफ भी की। आप खुद सुनिए। हमारी जो लड़ाई है संविधान की लड़ाई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो पूजनीय है, किस तरीके से संविधान जो उन्होंने एक छोटी एक करते हुए बनाने का जो काम किया, ये आरएसएस बजरंग दल वाले उसको सर्वनाश करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण की जो लड़ाई है, महिलाओं का आरक्षण, तमाम लोगों का जो आरक्षण होना चाहिए था वो आरक्षण नहीं, कहीं रोजगार कुछ नहीं मिला। नौजवानों को पल पल ठगने का काम हुआ नौजवानों को। मोदी जी क्या बोले, मोदी जी बोले 15-20 लाख रुपया एकाउंट में जाएगा नौजवानों पर, इसमें रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार कुछ क्या मिला, कपड़ा बेचो कुछ नहीं जाएगा, दही बेचो पकौड़ा बेचने से। इसी के लिए नौजवान सब बच्चा सर पढ़ाई लिखाई किया, स्कूल में पढ़ाई लिखाई किया, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई किया, आज पूरा शिक्षा माया, शिक्षा का भी तो स्तर पूरा तरीके से गिर गया। कुछ नहीं बोलेंगे, आपका जहानाबाद का कहाँ विकास हुआ, कुछ नहीं, क्या विकास करने का काम हुआ, कुछ नहीं विकास हुआ। जस्ट अफर्स तो पड़ा हुआ, आप तो देख रहे अपने आप से, नौजवानों को ठगा गया, महिलाओं के ऊपर क्या किया गया, जहां जहां पलटून जाने का सभा हुआ वहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का काम किया, दुपट्टा हटवाया गया, बताइए महिलाओं को टारगेट
तब है यहाँ। ऐसे लोगों को हमने जो पार्टी से 15 साल से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता जो पार्टी का जो नींव होता है जो पार्टी का जो रील होता है जिसमें पार्टी खड़ा होता है ऐसे लोगों को हमने चिन्हित करने का काम किया जो 15-20 साल से जो मेहनत करने का जो काम कर रहा है। तो बताइए हमने क्या गलत किया बताइए। हम अपनी जनता से पूछना चाहते हैं कि हमने गलत क्या किया। सही किया है हमने गलत किया है कि पढ़े लिखे नौजवान को या माफी का डिमांड था हमारे आवास में तमाम लोग जहानाबाद से गलत है कि आपको बाहरी उम्मीदवार नहीं किया। पूरा जल शराब लेकर के उमड़ा हुआ था उस समय जो काम करने वाला जो आपका विकास करेगा जो विकास की झंडा बहाने का काम करेगा उसको विकास के अलावा कोई झंडा ही नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज आएगा शिक्षा आएगा रोड बनेगा बिजली आएगी आईपल जल का जो योजना जो सरकार ने चलाने का काम किया किसके किसके घर में नल लगा है किसके घर में कल लगा है। इसलिए आप लोग को सोचना है आप लोग को विकास चाहिए कि नहीं विकास चाहिए। आप कहाँ आपको माला पहनाना तो यहाँ आइए स्टेट प्रिंट को पहनाइए माला। इसलिए हम लोग आपसे तमाम लोग लालू यादव के मोर्चा के लालू